हर रोज करोड़ों लोग अपने हाथों से नई चीजें बनाते हैं या जरूरी चीजें ठीक करते हैं। अगर हम आपसे कहें कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बिनोमो के साथ आपके लिए नए वित्तीय अवसर खुल जाते हैं। एक और दमदार एक्शन डे के लिए हो जाइए तैयार, जहां भले ही सुस्ती के संकेत हो, हल्की कमजोरी के संकेत हो, लेकिन बाजार में रहेगा भरपूर एक्शन और एक्शन होगा दोनों ही तरफ। ऐसे में क्या होगी रेंज, कहां बनेंगे मौके, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स रहेंगे आज खास तौर से फोकस में, आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की। स्वागत है आप सबका, नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, रोज की तरह मार्केट एक्शन पर तो हमारी नजर बनी रहेगी, मिडवीक ट्रेडिंग सेशन है सर, पर उससे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके जन्मदिन पर, और जैसा मेरा सौभाग्य होता है पूरी टीम की तरफ से मुझे चांस मिलता है आपको विश करने के लिए, तो हम सब की तरफ से जी बिजनेस में आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। 51 शुभ नंबर माना जाता है, तो आशा करते हैं कि साल भी आपके लिए उतना ही शुभ रहे। बिल्कुल दीप, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, दिल से आपका आभार, पूरी टीम का शुक्रिया। और देखिए, जनरली हम कहते हैं ना कि हम ज़्यादा नहीं तो कम से कम आधी जिंदगी तो ऑफिस में बिताते ही बिताते हैं, और एक्चुअल वर्किंग लाइफ अगर आप देखें, जो नींद वींद के और बाकी आलतू फालतू काम के घंटे निकाल दें, और एक्टिव लाइफ जो आपकी है, वो एक्टिव लाइफ तो आपकी 75 और 80% आपकी ऑफिस के साथ या अपने कामकाज करने पर मैं ऑफिस में उनके अपने सहयोगियों के साथ बीतती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप हर रोज़ ये मेरा हंसता मुस्कुराता चेहरा देखते, इतनी एनर्जी देखते, इतनी पॉजिटिविटी देखते हैं, तो उसकी सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपको और हमारी पूरी टीम को जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त मैं आप लोगों के साथ बिताता हूँ और आप मुझे खुश रहने में मदद करते हैं, इसलिए आपका, पूरी टीम का, हमारे सारे दर्शकों का दिल से शुक्रिया। और आज सुबह से मैं देख भी रहा था, कई सारे मैसेज आ रहे हैं, अब जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ता है, जैसे जैसे लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, दिक्कत यही आती है कि हर एक की शुभकामनाओं पर वापस से रिप्लाई करना मुश्किल हो पाता है। कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने इरादा ये बनाया दीप कि इस बार वीकेंड तक, संडे तक कोशिश करूँगा कि सबके मैसेजेस का जवाब दे पाऊँ। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपके बेहतरीन विशेष के लिए, और एक्चुअली दिल से तो आपकी विशेष हर रोज़ हर सुबह मेरे साथ होती है, और इसीलिए मेरे लिए एक तरह से हर रोज़ जन्मदिन वाला दिन है, लेकिन आज आपका स्पेशल थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अग्रेसिव टारगेट आपने सेट करा है वीकेंड तक, अगर आप सारे मैसेजेस डिलीवर करेंगे, क्योंकि जैसी आपकी फॉलोइंग और जितना प्यार लोग आपसे करते हैं, जितने मैसेजेस आएंगे, मुश्किल होगा सर वीकेंड टारगेट मीट करना आपके लिए? कोशिश देखिए करते हैं, कोशिश तो की जाए कम से कम, आई नो कि मुश्किल है, और कई बार वो ट्विटर पे तो ऐसा भी होता है कि वो मैसेज पीछे रह जाते हैं, तो आपको पकड़ पाना भी मुश्किल है। लेट्स सी, अब कोशिश करने में हर्ज नहीं, इस बार वीकेंड मैंने इसी के लिए रिजर्व रखा है, सैटरडे संडे यही काम करूंगा जी। चलिए सर, तो आशा करते हैं कि बहुत ही बढ़िया आपका साल रहे, और क्योंकि जन्मदिन है सर, तो एक स्पेशल गिफ्ट तो आपकी तरफ से हमें भी चाहिए होगा, तो उस पर भी आप नज़र डालें, पर आज के ट्रेड के लिए जो ट्रिगर्स दिख रहे हैं वो भी प्लीज़ बताएं सर। बिल्कुल दीप, कोशिश करूंगा कि कुछ आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए जन्मदिन पर कोई एक अच्छी पिक, अब आपने कहा है तो मैं ढूंढना शुरू करता हूं, लेकिन तब तक पहले आज के ट्रिगर्स बता दूं। अमेरिकी बाजारों में मजबूती रही 50 अंकों की, लेकिन उम्मीद से कम, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 150 पॉइंट ऊपर करीबन डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, खुले भी मजबूत 200 पॉइंट ऊपर, लेकिन फिर हल्की प्रॉफिट बुकिंग, ठीक वैसी जैसा हमारे यहाँ कल हुई, एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेडिंग सेशन कल आपको अमेरिका में दिखा। नैसडेक और S&P सपाट रहे, ITC और गुजरात गैस ने कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे पेश किए, और जनरली बैक बेंचर्स बहुत अच्छे नतीजे देते नहीं, आज वहां पर भी वैसे ही मामला था। आज नतीजों के लिए, आज से तीन कंपनियों के वायदा कारोबार की कंपनियों के नतीजे हैं, PVR, मुथूट, ये अपने नतीजे पेश करेगी, लेकिन ऑटो नंबर्स, स्पेशली टू व्हीलर्स कम खरीदे हैं लोगों ने पिछले महीने में, मई के महीने में, ये साफ दिख रहा है। बुलेट, रॉयल एनफील्ड की बिक्री कम हुई है, और हीरो मोटो की भी 50% घटकर आई है। कोरोना के मामले कम्फर्ट देने वाले हैं, 1.25 लाख के मामले परसों थे, और कल के मामले 1,33,000 कम्फर्टेबल है, कहीं कोई दिक्कत की खास बात नहीं। तो ये है आज के सारे ट्रिगर्स दीप।
बिल्कुल, तो कोरोना के मामलों से थोड़ा कंफर्ट जरूर है, ऑटो बिक्री उतनी शानदार नहीं है, पर आईटीसी सर ये स्टॉक जरूर फोकस में रहने वाला है, तो इस पर भी नजर डालेंगे नतीजों के बाद किस तरह का एक्शन आता है। पर एक और जो ग्लोबल फैक्टर रहा है सर, एक बार वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा, जो ओपेक ने निर्णय लिया है कि अब उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, जुलाई के महीने से उत्पादन बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड में रिकवरी है, हमने देखा कि आउटपुट बढ़ाने की खबर पर भी कच्चे तेल में जबरदस्त उछाल आते हुए देखा, और इस समय भाव 2 साल की ऊंचाई पर है, कैसे देखें इस डेवलपमेंट को सर? दीप देखिए, इकोनॉमिक्स में हमने यही पढ़ा है, यही समझा है, असली गेम तो डिमांड और सप्लाई का है। अगर डिमांड है तो है, चाहे वो स्टॉक की डिमांड हो चाहे कमोडिटीज की डिमांड हो, वो तो है तो है, और वो आपके लिए डेफिनेटली दाम बढ़ाने का काम करेगी। तो अब बेसिकली जो ग्लोबल रिकवरी है, उस ग्लोबल रिकवरी को देखते हुए यहां पर संकेत आपके लिए डेफिनेटली कच्चे तेल की डिमांड को लेकर जो आते दिख रहे हैं वो एक अच्छा संकेत है। दूसरी बात दीप, एक चीज समझ लीजिए कि सबको पता है कोरोना लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और अगर आप देखिए हमारे यहां कोरोना का थोड़ा बहुत डर भी है, और अगर हम यहां देखें कि जिस तरह से अमेरिका में यूरोप में ओपन अप हो रहा है, जिस तरह से लाइफ बैक टू नॉर्मल हो रही है, तो इसका मतलब क्लियर कट है कि ओपन अप होने के बाद जो डिमांड बढ़ेगी कच्चे तेल की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की वो साफ दिख रही है, और इसीलिए प्रोडक्शन बढ़ाने के बावजूद देखिए आज वो भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो उनके पास कहीं कहीं ये ताकत और ये समझ होनी चाहिए कि प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद दाम क्या होंगे, लेकिन उसके बावजूद कच्चा तेल मजबूती के साथ ऊपर बढ़ रहा है। हालांकि भारत के लिए संकेत अच्छा नहीं है, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ने का जो खतरा है वो हमेशा रहता है, लेकिन ठीक है, ग्लोबल रिकवरी का फायदा भी एक तरफ है तो दूसरी तरफ दाम बढ़ने का नुकसान भी। तो ओवरऑल कच्चे तेल के दाम जो बढ़े हैं प्रोडक्शन बढ़ाने की खबर के बावजूद, ये साफ तौर पर ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी के बड़े मजबूत संकेत दे रहे हैं, जो कि ओवरऑल मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए अच्छी बात है दीप। बिल्कुल, तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए अच्छी बात है, और देखते हैं यहां से अब किस तरह का एक्शन बनता है कच्चे तेल में। गोल्डमैन सैक्स ने तो कहा है कि $80 तक ब्रेंट आपको आते हुए दिख सकता है साल के अंत तक, फिलहाल देखें तो $70 के ऊपर है। पर सर थोड़ा कंसोलिडेशन कल हमने ग्लोबल मार्केट्स में भी देखा, यूएस में अच्छी शुरुआत के बाद एकदम सुस्त एक्शन रहा, हमारे बाजारों में भी इंडेक्स लेवल पर नए रिकॉर्ड के बाद थोड़ी सुस्ती आती हुई दिखी, कैसे समझे इस कंसोलिडेशन को, बाजार कुछ संकेत दे रहे हैं यहां से सर? संकेत यही दे रहे हैं दीप की, मतलब जरूरत से ज्यादा दिमाग न लगाएं, ये संकेत दे रहे हैं कि भाई देखिए 1200 पॉइंट तो नॉन स्टॉप भागे, 14800 से तो पीछे मुड़के ही नहीं देखा एक भी दिन, ठीक है, और ऐसे मुझे आप पूछोगे तो 14500 से ही नॉन स्टॉप चल रहे हैं, 14500 से 15660 अब हो गया भाई 1100 पॉइंट। और कल मैं जब नए महीने की शुरुआत में थोड़ा सा कॉशियस बोल रहा था, तो लोगों ने काफी लोगों ने पूछा भी, अरे अचानक से क्या हुआ सर, थोड़ा कॉशियस, कहीं कोई मूड में बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कुछ नहीं, तेजी के मार्केट में हैं बिल्कुल हैं, कोई टेंशन मत लीजिए। लेकिन भाई दौड़ने भागने की रफ्तार, भाई आपको 100 मीटर दौड़ना है या मैराथन वो तो डिसाइड कीजिए, 100 मीटर दौड़ना है तो पूरा आपको जोर है ना वो 10 सेकंड में ही 15 सेकंड में लगा लेना है, 10 सेकंड में तो खैर वो सारे वो बड़े बड़े उसेन बोल्ट ही दौड़ पाते हैं, अपने लिए तो जो भी टाइम लगे, लेकिन आपको ये समझ लीजिए कि 100 मीटर दौड़ना है तो उस स्पीड से दौड़ना है, उतना जोर लगाना है, और आपको मैराथन दौड़नी तो आपको अपनी स्पीड कम करनी, तो ये मैराथन रैली है, तो बीच बीच में कहीं पड़ाव आएंगे, सी ये है ना, डेस्टिनेशन नहीं है इस रैली का, ये एक पड़ाव है, ये मतलब एक छोटा स्टेशन है, मतलब अगर ट्रेन निकली है मुंबई सेंट्रल से दिल्ली जाना है तो बीच में सूरत बड़ोड़ा अहमदाबाद और आगे जो भी रतलाम वगैरह भी तो आएंगे ना, तो वहां पे रुकती रुकती जाएगी भाई, तो वैसा हाल है, तो दीप कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं, लंबा एक तरफा रैली होने के बाद हल्का फुल्का करेक्शन बाजार की सेहत के लिए ठीक भी है, और इस दौरान थोड़ा प्राइस वाइज करेक्शन हो जाए और थोड़ा टाइम वाइज करेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया, ताकि आपके लिए आगे की राह एकदम साफ है। सिंपल चीज एक ही करनी है दीप, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, अगर आपको स्टॉप लॉस पता है तब तक आपको बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं, और स्टॉप लॉस बहुत क्लियर कट वेल डिफाइंड है, जब तक 15275 15300 राउंड फिगर में मैं 15300 बोल रहा हूं ताकि आपको याद रखने में इजी रहे, एग्जैक्टली 15275 है, 15275 15300 के नीचे बंद होने पर ही आपको ये फील करना है कि भाई बाजार खराब हो रहा है क्या, जरा अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर लिया जाए। इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स अगर आप हैं ट्रेडर के तौर पर तो 15400 आपका स्टॉप लॉस है, अगर आप एक दो दिन के लिए पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो आपके लिए 15400 का स्टॉप लॉस है, जब तक 15400 के नीचे बंद नहीं होता डरने की जरूरत नहीं है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें और आप
ट्रेड करते रहे। इंडेक्स में भी बिल्कुल सिंपल, अच्छा बैंक निफ्टी में यही लेवल 35,337 के आसपास कल हम बंद हुए हैं, आपके लिए जब तक 34,400 के नीचे बंद ना हो तब तक बैंक निफ्टी की चाल में भी बदलाव नहीं होगा। 34,900 के नीचे बंद होते ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, जैसा 15,400 के नीचे निफ्टी के लिए होता है वैसा ही बैंक निफ्टी के लिए 34,900 है। 34,400 के नीचे बंद होने के बाद एक तरह से आप कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपना 35,700 पर टॉप बना दिया और अब उसे पार करने में मुश्किल होगी, और तब सेम जो निफ्टी के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल्स है वो आप नोट कर लें, 15,300 34,400, ये सिंपल है, इस पर फोकस कीजिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 15,400 और 34,900 ये दो लेवल्स पर नजर रखिए, और जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते हैं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं, तब तक गिरावट में खरीदारी का मौका है। बदला है तो सिर्फ एक चीज दीप, वो ये है कि अब तक जो लोग बेच रहे थे बेचकर कमा नहीं पा रहे थे और बार बार हर रोज नेक्स्ट डे आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना होता है अगर आप डिसिप्लिन पे, अब ये जरूरी है कि रेंज के हायर एंड पे बेचेंगे तो छोटा मुनाफा आपको भी हो सकता है। दोनों तरफ के ट्रेडर्स के लिए अब थोड़े थोड़े मौके बनेंगे, एक बात। दूसरी बात, अब आपके लिए सेक्टोरल चर्निंग भी होती दिखेगी, तो कुछ सेक्टर्स होंगे, कुछ स्टॉक्स होंगे जो मजबूत रहेंगे, कुछ पॉकेट्स ऐसी है जहां हल्की फुल्की कमजोरी भी हो सकती है, बस इतना ही ध्यान में रखना है, सिंपल। जी ओके, तो ट्रेंड मूड सेंटिमेंट में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है पर दोनों तरफ के मौके मिलेंगे, और जैसा अनिल जी पिछले दो दिनों से कह रहे हैं उतना आसान नहीं होगा हर ट्रेड पर पैसा कमाना जितना आप अभी तक देख रहे थे, स्पेशली जो तेजी वाले ट्रेड हैं। पर सेटअप फिर समझते हैं सर, आज के कुछ लेवल्स भी आप बताएंगे, पहले तो इंडिकेशन दें कि आज के संकेत क्या कह रहे हैं सर। संकेत दीप देखिए, ज्यादातर संकेत न्यूट्रल साइड पर है, दो पॉजिटिव है जिनके दम पर अब तक तेजी होती दिख रही है। एफआई घरेलू फंड दोनों न्यूट्रल है, ठीक है ना, वायदा कारोबार के डेटा न्यूट्रल है, तो यहां पर तो कोई खास बदलाव है नहीं, ग्लोबल भी न्यूट्रल है, ठीक है, तो चारों ये संकेत हो गए न्यूट्रल। ट्रेंड और सेंटिमेंट दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, ट्रेंड और हमारे लिए ट्रेंड और सेंटिमेंट ऐसा है जो आपको निचले स्तर पर लगातार सपोर्ट देता रहेगा, तो पहली चीज तो ये क्लियर होगी। अब आइए मैं आज के आपको बड़े सपोर्ट जोन बता दूं, 15,475 15,525 ये 50 पॉइंट की रेंज दिन के लिए मजबूत सपोर्ट है, आसानी से टूटेगी नहीं, ये रेंज भी सपोर्ट के तौर पर काम करेगी, वैसे टूटेगी नहीं लेकिन नोट करके रख लो, नीचे का लेवल जो है 15,375 15,435 स्ट्रांग बाय जोन है, इस रेंज में आए तो खरीदना ही चाहिए। ऊपर 15,650 15,700 हल्का फुल्का रुकावट का रेंज है, 15,750 15,800 अंदाज से दिया, ऊपर का कल भी अंदाज से दिया था 15,650 15,700 काम आ गया, 660 का हाई बना कर दिया, ऊपर के लेवल है नहीं तो अंदाज से देने तो बस 15,660 नया लाइफ हाई बनाएगा तो और तेजी होगी, कल के लाइफ हाई को पार करेंगे तो मजबूती और बढ़ जाएगी। बैंक निफ्टी 34,900 35,100 सपोर्ट के तौर पर, इस रेंज में सपोर्ट है, आसानी से टूटना नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज दीप जो दिख रही है पिछले 3-4-5 दिनों में 3-4 बार नॉक नॉक 34,900 के आसपास आता है बैंक निफ्टी, सपोर्ट लेकर वापस ऊपर आ जाता है, अब पता नहीं कहीं तोड़ ना दें, वो डर थोड़ा सा रहता है ना कि अगर ग्लोबल थोड़ा खराब हो गया कुछ हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कि 34,900 तोड़ दे, अभी तो नहीं लग रहा है, तो 34,900 35,100 सपोर्ट जोन, अगर गलती से टूट गया तो 34,525 34,700 स्ट्रांग बाय जोन है, इस रेंज में आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट भी काटनी चाहिए और फ्रेश खरीदारी भी जरूर करनी चाहिए। ऊपर 35,525 35,700 हल्की रुकावट का लेवल है, 35,800 35,950 क्योंकि 36,000 के आसपास कॉल राइटिंग काफी होकर रखी है बैंक निफ्टी में, तो उसके पार निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, बस ये छोटी सी रेंज है, इन पे ध्यान रखिए और क्या है। जी जी बिल्कुल, तो ये तो रहे आपके लिए बड़े लेवल्स जो आज ट्रेड के लिए निकल कर आ रहे हैं, दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी सर? निफ्टी का पहले बता दूं 15,500 15,600 ये 100 पॉइंट की रेंज, 15,500 से नीचे कमजोरी गिनना शुरू करेंगे और 15,600 के ऊपर से मजबूती, तो 25 पॉइंट ऊपर 75 पॉइंट नीचे ये छोटी रेंज, 15,435 15,650 मीडियम रेंज, 15,375 15,700 बड़ी रेंज, ये तीनों रेंज नोट करके रख लीजिए। बैंक निफ्टी 34,900 35,525 छोटी वाली रेंज है, 34,700 35,700 1000 पॉइंट की मीडियम रेंज, 34,600 35,850 दिन की बड़ी रेंज बैंक निफ्टी के लिए, इस पर करना है फोकस। अब आइए एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बनी हुई ऊपर ही है, 86% के आसपास है, थोड़ी कम हुई है 89 से 86% 3%, लेकिन अभी भी कम नहीं हुई है, और जब तक ये कम नहीं होती दीप तब तक ऊपर थोड़ा सा है ना, जैसे जैसे बाजार ऊपर आएगा अब एफआईएस की हल्की फुल्की आपके इंडेक्स लॉन्ग में बिकवाली होती हुई दिख सकती, वो रह सकता है या फिर वो नेट शॉर्ट बढ़ाएं
कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगे तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पर आ सकती है। प्रॉफिट वही बुक करेगा, निफ्टी वही बेचेगा जिसके पास पोजिशन है, सिंपल। एफआईएस के पास लॉन्ग पोजीशन है अच्छी खासी। पुट कॉल रेशियो एक ही दिन में घटा है 20% में, ये मजेदार चीज है। देखिए एक दिन हल्का फुल्का करेक्शन हुआ और लोगों ने तेजी की पोजीशन कम कर ली, मजा आ गया। तो ये बाजार हल्का जो होता है ना, हल्के बाजार के लिए मुंह देना ऊपर की तरफ वापस आसान हो जाता है। तो जितना पुट कॉल रेशियो में हल्का रहे उतना बेहतर है। और कल ही एक दिन में बढ़ा था 20 बेसिस पॉइंट, एक ही दिन में वापस कम भी हो गया, ये आपके लिए। अब आइए तीसरी बात जो है आपके लिए, वो विक्स की है। हल्का सा बढ़कर आया, कोई दिक्कत नहीं। तीन दिनों से विक्स घट रहा था, कंफर्ट दे रहा था कि बाजार रेंज बाउंड रहेंगे, कोई खास दिक्कत नहीं। और कल जिस तरह से थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव हुआ है तो विक्स बढ़ा है, ये आपके लिए सारे के सारे लेवल्स आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अब आइए लॉन्ग पोजीशन अगर आपकी निफ्टी पर है तो इंट्राडे में आपको छोटा स्टॉप लॉस दे रहा हूं 15,500 का। क्लोजिंग अगर 15,400 के नीचे बंद हो तो आप अपनी तेजी की पोजीशन कम कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए तो बोल ही चुका हूं, 15,275 के नीचे बंद होता दिखेगा बैंक निफ्टी तो हम रिव्यू करेंगे कि क्या पोजीशन कम करनी चाहिए, क्या एक बार की टॉप बन चुका है 15,660 पे और अब वापस उसको आने में टाइम लगेगा, या 5-10% का करेक्शन हो सकता है क्या, ये हम 15,300 के नीचे डिसाइड करेंगे। तब तक आपको डरना नहीं। डे ट्रेडर्स 15,500, पोजिशनल ट्रेडर्स 15,400, इन्वेस्टर्स 15,275, ये तीनों स्टॉप लॉस आपके हो गए। बैंक निफ्टी डे ट्रेडर्स के लिए 34,900 का स्टॉप लॉस है और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी 34,900 के नीचे बंद होने पर, और बाकी तो मैं बता ही चुका हूं आपको। इन्वेस्टर्स के लिए 34,400 के नीचे बंद होने के बाद ही आपको सावधानी का संकेत आता दिखेगा ये तेजी की पोजिशन पर। अब आइए मंदी की पोजिशन अगर आपकी है तो 15,700 आखिरी स्टॉप लॉस है, ये रख लीजिए। वैसे तो 15,660 का भी रख सकते हैं, कल का हाई पार करें, नया हाई बनाए तब भी काट लें, सेफर साइड पर 15,700। बैंक निफ्टी कल का हाई पार करें 35,750, उसके ऊपर बंद हो शॉर्ट काट लीजिए। वैसे 36,100 निकल कर आता है, दूर बहुत है, इतना दूर देने के बजाय मैंने 35,750 का ही दे दिया कल के हाईस के ऊपर दीप। तो ये है आपके लिए स्टॉप लॉसेस के लेवल। बिल्कुल, तो नजर रखें मौजूदा पोजीशंस हो तो किस तरह से आपको अपने स्टॉप लॉसेस लगाने हैं। नई पोजीशंस के लिए क्या सलाह है सर? नई पोजीशन के लिए दीप देखिए खरीदारी करनी चाहिए निफ्टी में 15,435, 15,525 रेंज में अगर बाजार मिलता है। 15,525 कल का लो है, कोई बड़ी बात नहीं, मिल जाए मिल भी जाए दिन के दौरान एक झटका दे हल्का फुल्का, वहां पर लीजिए आप आराम से 15,435 तक लीजिए। 475 पे थोड़ा और ऐड कर लीजिए, 15,375 का स्टॉक लॉस लगाइए, 575-600, 650-700, ये चार टारगेट आपको ऊपर की तरफ रखने हैं अगर आप करते हैं खरीदारी तो। दूसरा तरीका ये कि अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और गैप से नीचे मिल जाए 40-50 पॉइंट, तो समझिए आप मतलब 15,500-15,525 की रेंज में मिल जाए तो वहीं ले लीजिए और आपका स्टॉप लॉस होगा 15,475 का। 600-650, 700-750, ये चार टारगेट होंगे जिनके लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये होगी आपकी निफ्टी। जो लोग बेचना चाहते हैं निफ्टी 14,650-14,700 की रेंज में एक बार आप चांस ले सकते हैं, और वहां पर अगर आप बिकवाली करते हैं तो 14,800 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, माफ कीजिएगा 15,000, बिकवाली करनी है मैंने सारे लेवल 14,000 कर लीजिए, यहाँ पर 15,000 के हैं। बैंक निफ्टी पर बिकवाली की रेंज है 15,650, 15,000, माफ कीजिएगा इसको सबको लेवल्स को 15,000 कर लीजिए, 15,650, 15,700 की रेंज में बिकवाली करनी है। स्टॉप लॉस आपको 15,800 का लगाना है, 15,600, 15,525 और 15,475, ये सारे लेवल से जिसके लिए बिकवाली करनी है, तो ऊपर की तरफ आप बिकवाली का भी एक चांस ले सकते हैं 15,650, 15,700 की रेंज में, और 15,800 का होगा आपका स्टॉप लॉस। ये एकदम परफेक्ट लेवल है जिस पर आपको फोकस करना है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में खरीदना है आपको 34,525, 34,700, ये ड्रीम रेंज है। वैसे मुझे लगता है आएगी नहीं, मैं आपको खाली एक नोटिस करवा के दे रहा हूं ताकि आपके ध्यान में रहनी चाहिए। आ जाए तो जरूर करिएगा, नहीं आए तो कोई बात नहीं। 34,400 ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपको 34,925, 35,075, 35,150, 35,225 और 35,325, ये सारे टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ आने के चांसेस कम है, तो फिर रियलिस्टिक लेवल क्या है जहां आ सकता है बैंक निफ्टी, और वो रियलिस्टिक लेवल है 34,900 से 35,100 की रेंज में। इस रेंज में आ सकता है, यहां पर आप चांस लीजिए, जितना 34,900 के नजदीक खरीद पाएंगे उतना बढ़िया है। स्टॉप लॉस छोटा लगाइए माफ कीजिएगा 34,800 का, ठीक है। टारगेट बनेगा आपका ऊपर की तरफ 35,225, 325, 525,
600, 700, 800, 850 तक, ये आपके लिए फाइनल टारगेट हो गया। देखिए कल भी आपको 35,700 का फाइनल टारगेट दिया था और एग्जैक्ट 35,716 तक पहुंचा है, तो फाइनल टारगेट अभी 150 पॉइंट से बढ़ाया है हमने, 35,800, 850 का बना अगर इस रेंज में खरीदते हैं। वैसे फाइनल टारगेट 36,100 का निकल कर आता है, अगर ग्लोबल मार्केट सुधर जाते हैं और अच्छे संकेत देते तो 36,100 तक का टारगेट खुल रहा है, वहां पर जरूर बिकवाली करना बनता है। लेकिन फिलहाल चूंकि हल्की नरमी के संकेत हैं तो 34,900 के जितना नजदीक खरीदेंगे उतना अच्छा है। बैंक निफ्टी जो बेचना चाहते हैं दीप, 35,700 के आसपास बेचे, 35,700, 35,850 बढ़िया रेंज है, पक्के तौर पर बेचना चाहिए, डरिए मत। कल भी आपको बोला था ऊपर में आप बेचिए, चिंता मत कीजिए। देखो दोनों तरफ ट्रेड लीजिए, अब जब एक तरफा ट्रेड लेना था तो हम एक तरफा दे ही रहे थे आपको, अब दोनों तरफ ट्रेड लेना है दोनों तरफ लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 36,100 का, 35,600, 35,525, 35,350, 250 और 35,150, ये सारे लेवल्स हैं जिसके लिए आपको ऊपर में करनी है बिकवाली। तो ये है दीप आज के सारे लेवल्स और स्ट्रेटेजी। जी बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज के सारे लेवल्स और स्ट्रैटेजी जहां पर आपको रखनी है नजर। वायदा बाजार की लिस्ट में भी सर अब रोज चेंज हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल रहे हैं पहले तीन दिन, जहां तक वायदा कारोबार के बैन लिस्ट का सवाल है ये सीरीज में। बैंक ऑफ बड़ौदा सन टीवी बैन में बने हुए हैं, सेल की एंट्री हो गई है, यूजली हम देखते भी हैं हर सीरीज में ही बैन में आ जाता है, और पीएनबी कल बैन से बाहर आए, तो आज तीन शेयर्स हैं जो बैन लिस्ट में रहेंगे, सेल, बैंक ऑफ बड़ौदा और सन टीवी आपके लिए। अच्छा सर थोड़ा डेटा समझाएं, कल का जो एफआईएस का एक्शन हुआ है कैसे देखें इसको और क्या संकेत लेने चाहिए यहां से? मेरे ख्याल से देखिए दीप, कोई खास ऐसे संकेत एफआईएस की तरफ से है नहीं, भले हल्की से एक्शन होती हुई दिख रही है कि आप देखिए 450 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली है, ठीक है, सामने 400 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, स्टॉक फ्यूचर्स 200 करोड़ के खरीदे, तो नेट नेट आप कह सकते हैं 200 करोड़ के आसपास की खरीदारी है जो कि छोटी है। घरेलू फंड ने 230 करोड़ की खरीदारी की, तो मतलब डेटा बहुत छोटे हैं एफआईज और घरेलू फंड्स के, मतलब वेट एंड वॉच वाले मूड में ज्यादा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत जोर से बेचना है, क्योंकि अभी अभी तो खरीदने का मूड बनाया इन्होंने तीन चार दिन से, और अभी वापस से बेच कैसे दें, तो बेचने की भी हिम्मत नहीं है, नहीं खरीदने की भी हिम्मत नहीं है और बेचने का मन नहीं है क्योंकि ज्यादा पोजीशन है नहीं, तो इसलिए बड़ा मिला जुला सा वेट एंड वॉच वाला मामला है, इसलिए दोनों को मैंने न्यूट्रल साइड पर रखा है। एफएनओ को भी न्यूट्रल रखा है क्योंकि देखिए एक तो पुट कॉल रेशियो हल्का होकर आ गया, 1:32 का पुट कॉल रेशियो मेरे लिए कंफर्टेबल है, ठीक है ना। अब प्रीमियम कल अच्छे से बढ़कर आई है, देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज है दीप, ये इस पे फोकस करना चाहिए, जैसे बाजार देखिए आपको हल्का सा ठंडा होता दिखाए, प्रीमियम जीरो थी निफ्टी पर बढ़कर 43 पॉइंट, बैंक निफ्टी पर 76 पॉइंट की प्रीमियम थी, 116 पॉइंट आगे, तो अच्छी प्रीमियम बढ़कर आई है, ये एक अच्छा संकेत है। 15,500 इमीडिएटली मजबूत सपोर्ट है निफ्टी के लिए वायदा कारोबार के लिहाज से, 36,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो मैं तो 15,500 से ही गिनूंगा कि बाजार कमजोर हो रहा है क्या, और 15,600 से मैं गिनूंगा कि बाजार मजबूत हो रहा है क्या। 15,500 से 15,600 मेरे लिए नो ट्रेड जोन तो नहीं कहूंगा, वो फुटबॉल के फील्ड में ना मिडफील्ड है जिसमें गोल होता नहीं, गोल आपको 15,500 या 15,600 की तरफ कहीं एक तरफ निकलने के बाद करना है, 15,600 पर भी आप देख सकते हैं 41,00,000 शेयर दीप आज के लिए, ये बड़ा जरूरी होगा कि आप 15,600 अगर ताकत दिखानी है बाजार को तो 15,600 को पार करके टिकना जरूरी होगा, क्योंकि 18,00,000 शेयर कॉल्स में कल ही जुड़े हैं और 41,00,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, ये बड़ा है, तो अगर आप 15,600 के ऊपर टिकते हैं तो कल जिन लोगों ने शॉर्ट किए कॉल्स जो बेचे हैं वो बैकफुट पर आएंगे, उनके लिए बैकफुट पर आना जरूरी ताकि बाजार आगे और बढ़ सके, ये आपके लिए। तो 15,500, 15,600 शुरुआती रेंज है जिस पर आपको नजर रखनी है। बैंक निफ्टी सिंपल है, 35,000 तुरंत सपोर्ट है, 10,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 35,500 को पार करके निकल पाना अब थोड़ा मुश्किल होगा, 17,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर जो छोटा नहीं है, हाईएस्ट भी है, तो इमीडिएटली 35,900, 35,000 सपोर्ट है और 35,500, 35,575 ऊपर की रुकावट का लेवल। जी दीप, ये आपके लिए वायदा कारोबार के पूरे डेटा। ओके, तो ये है आपके लिए वायदा कारोबार का पूरा लेवल, देखते हैं 15,600 के ऊपर निफ्टी निकलकर टिक पाता है कि नहीं, जो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहेगा। अच्छा सर, एक बहुचर्चित स्टॉक, वैसे तो आपकी तरफ से बर्थडे पिक का इंतजार है सर, पर तब तक जो बाजार का सबसे डिस्कस्ड स्टॉक है और लीस्ट मूविंग स्टॉक है आईटीसी, नतीजे कल आए थे, थोड़े मिले जुले रहे, क्या राय देंगे आईटीसी इन्वेस्टर्स के लिए?
मुझे लगा कि दीप शायद आज बर्थडे के दिन तो आप छोड़ देंगे मुझे और ये सवाल पूछेंगे नहीं। मैं सोच ही रहा था कि आईटीसी का सवाल ना ही आए, लेकिन आ गया। वैसे लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईटीसी पर भरोसा कहीं किसी तरह से कम हुआ है। अगली बर्थडे पे बात करेंगे दीप, देखते हैं अगली बर्थडे पे आईटीसी क्या होता है। लेकिन हाँ, इससे पहले इस क्वार्टर से अगले क्वार्टर तक का भी देखना जरूरी है। क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है, मतलब आईटीसी ऐसे रिजल्ट है आप देखें ना देखें फर्क नहीं पड़ता, है ना। हालांकि अभी तक सिगरेट वॉल्यूम की डिटेल्स आना बाकी, अभी तक हमारी टीम को मिली नहीं है, मिलेगी तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। वो रिजल्ट कुछ भी आ जाए होना क्या है, वही वाला है ना कि आईटीसी का अगर 210 रुपए का है तो 2 रुपए इधर 2 रुपए 212 तक पड़ोस में जाके आ जाऊंगा, 208 तक पड़ोस में जाके आ जाऊंगा, वापस 210 में आ जाऊंगा। वो जो जोक्स चल रहे थे वैसे ही वाला हाल। तो 5.25 रुपए का डिविडेंड है, 10-11-12 रुपए का डिविडेंड है, 200 रुपए का स्टॉक है, निफ्टी का स्टॉक है, आपको 5% डिविडेंड यील्ड है। मतलब डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी दीप बुरा नहीं है स्टॉक, और वैल्यू तो है ही। अब ये पेशेंस टेस्ट करने वाली चीज है। मैं तो अब भी कहूंगा, अगर आप मुझे बोलेंगे कि भले मैं बर्थडे पिक के तौर पर इसलिए नहीं कहना चाहता कि आईटीसी ले लीजिए कि कल से लोग है ना फिर और भाव देखना शुरू करें, लेकिन अगर आपका वाकई में अगली बर्थडे तक रखने का इरादा है तो आईटीसी है डेफिनेटली, ये वैल्यू पिक है, यहां पर अब भी लेना चाहिए। लाइफ टाइम हाई पर अगर आपको 200-215-210 रुपये आराम से 200-205 रुपये मिल जाता है, किसी भी दिन कोई हड़बड़ी करने की भी जरूरत नहीं और रिजल्ट भी आ गए और कोई अभी खास सामने बड़ा ट्रिगर दिख नहीं रहा है तो आराम से इसको अक्यूमुलेट कीजिए, कोई स्टॉक में हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, बर्थडे पिक के तौर पर मैं कुछ और स्टॉक आपको आगे दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने की, जब आपने बोला तो मैं कुछ निकाल कर रखता हूँ। लेकिन इस स्टॉक पर 100% डेफिनेटली पूरा भरोसा बरकरार है। आईटीसी भी आपको कमाई करवा के देगा, वेदांता भी आपको कमाई करवा के देगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई चिंता न करें। बिल्कुल सर, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन सारे आईटीसी इन्वेस्टर्स आईटीसी वॉचर्स के लिए, कन्विक्शन बना हुआ है, जब भी मूव देगा अच्छी मूव देगा, पैसा बना के देगा इन्वेस्टर्स को, परेशान नहीं होना है, थोड़ा सुस्त है, जब भी मूव करेगा आपको रिटर्न्स आते हुए दिखेंगे। और वेदांता पर तो कन्विक्शन रहा ही है 95 के लेवल से, और देखिए वहां से तो ऑलरेडी अच्छे रिटर्न्स आ गए और आगे भी और अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। अभी अभी चलिए इंतजार रहेगा अनिल सर की तरफ से आज बर्थडे स्पेशल कोई स्टॉक आता है। जी सर, दीप एक चीज और कहना चाहता हूं, एक चीज और कहना चाहता हूँ, देखिए अब जो हमारे ट्विटर पे हमारी एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जो सारे दोस्त लोग हैं वो जोक्स भेजते हैं, मीम्स बनाते हैं आईटीएस पे, उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते, करेक्ट। सब इंडिपेंडेंट है, सबको अपनी अपनी राय दें। अब आप बाकी सोचो, हमारे टीम मेंबर्स भी ऐसा करने लगे हैं, देखिए मतलब अब क्या कर सकते हैं। मतलब देखिए अभी अभी अरमान ने मुझे मैसेज भेजा, क्या आईटीसी के शेयरों को इनकम टैक्स रिटर्न में इमूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पर दिखाया जा सकता है। देखो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सोच देखिए, मतलब आईटीसी हिलता ही नहीं, इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी बना दिया जाए तो आने दीजिए, बहुत ही बढ़िया, ये मजा है लाइफ का। और तभी आपकी आप कितने अच्छे और कितने बेहतरीन और कितने भरोसे वाले इन्वेस्टर्स हैं, इसका पेशेंस, और मेरे ख्याल से यही पेशेंस मुझे बहुत अच्छे से याद है दीप, दो शेयरों ने पहले किया है टेस्ट, एक रिलायंस था और दूसरा एचयूएल था लीवर, दोनों स्टॉक तीन तीन चार चार साल तक कुछ नहीं करते दिखे, कुछ नहीं। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब 550 रुपए के आसपास लीवर के मैनेजमेंट ने स्टेक बढ़ाई थी और स्टॉक का भाव उस समय 400 रुपए से भी नीचे चलता था, और तब सब लोग हंसते थे, अरे ये लीवर का मैनेजमेंट ये क्या कर रहा है, 550-650 रुपए के आसपास स्टेक बढ़ा रहा है, आराम से चीज इतना लीवर भर भर के मिलता है, कोई खरीदने वाला नहीं है। और तब से आप देखिए स्टॉक क्या भागा है, क्या रिटर्न आए। तो ये सेम चीज रिलायंस में हुई, कई सालों तक रिलायंस ने 3-4 सालों तक कोई खास प्रदर्शन नहीं, पड़ा है, ठंडा है, लेकिन ठीक है, हर एक स्टॉक का अपना वक्त होता है, कोई ट्रिगर्स होते हैं, उसका इंतजार रहता है, वो कब होगा ये पता नहीं। ये अगर काश पता होता तो फिर बात ही क्या है कि फिर तो आपको इन्वेस्टमेंट में टाइम की जो हम इंपॉर्टेंस कहते हैं कि लंबे समय तक रही है, वो लंबे समय तक भी जब ट्रिगर हो, जब चलना शुरू करे और तभी ले लें, जब खत्म हो तभी निकल जाए, वो काम इतना आसान है नहीं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो पेशेंस टेस्ट करेंगे, कई सारे स्टॉक टेस्ट करेंगे, सिर्फ आपको ये देखना है कि कंपनी में कोई खराबी तो नहीं, और यहां पर मुझे कोई खराबी दिखती नहीं। जी थी बिल्कुल सर, पेशेंस टेस्ट करेंगे, बट कंपनी अच्छी है, डिविडेंड तो ऑफकोर्स हमेशा अच्छा ही देती है, और साथ ही इन्वेस्टमेंट का भी अच्छा केस है, पेशेंस रखिए, जब भी रिटर्न्स आएंगे आईटीसी है आपके लिए, जो अनिल सर की राय नतीजों के बाद। आइए फिर कुछ और स्टॉक्स पर भी नजर डालते हैं, और थोड़ी देर में वरिंदर बंसल से भी जो कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स आई हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बट हमारी रिसर्च टीम तैयार है, कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुशल बताएं आज के ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु, सबसे पहले जो आज के ट्रिगर्स हैं, जो नतीजे आने वाले हैं एफएनओ स्पेस से, वहां पर आपको नजर रखनी है, जिसमें तीन कंपनियां हैं, मदरसन सुमी और पीवीआर और साथ ही मुथूट फाइनेंस। इन तीनों के जो नंबर्स हैं ये मार्केट आज के दौरान ही आने का अनुमान है हमारा। साथ ही कैश स्पेस से एमटा टेक्नोलॉजीज, एनआरबी बियरिंग्स, पेनेशिया बायोटेक और रत्नमणि मेटल्स, इन चार स्टॉक्स पर आपको फोकस में रखना है। साथ ही एमपीसी की जो तीन दिवसीय बैठक है वो अनिल जी ने भी आपको बताया कि यहां पर शुरू होने वाली है आज से, और कैबिनेट की जो अहम बैठक है आज 11 बजे होगी। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स, इसका राइट इशू आज बंद होता हुआ नजर आएगा, और कुछ एक स्टॉक्स में प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है 20% से 10% पर। गोगुल एग्रो रिसोर्सेज, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और रूपा एंड कंपनी, इन तीन स्टॉक्स में प्राइस बैंड रिवीजन हुआ है। बिल्कुल, दो दिन 20-20% के अपर सर्किट लगाने के बाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का आज सर्किट फिल्टर 10% का रहेगा। देखते हैं आज हैट्रिक होती है सर्किट की या नहीं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु, आज सबसे पहले आप देखिए जो मई ऑटो बिक्री के आंकड़े आए थे उसमें हीरो मोटोकॉर्प और आयशी मोटर्स के भी आए। हीरो मोटोकॉर्प अनुमान से कम आते हुए दिखे हैं, मंथ ऑन मंथ 1,83,000 यूनिट्स की बिक्री होती हुई दिखी है, जो अनुमान था वो 2,10,000 का था। साथ ही आप देखिए उन्होंने जो अपने ऑपरेशंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो होल्ड कर दी थी, और इसके चलते जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या जो प्रोडक्शन होता हुआ दिखा है वो कम हुआ था। आयशी मोटर्स अनुमान से कम नंबर्स आते हुए दिखे, अनुमान था 33,000 का, लेकिन आज जो नंबर्स की बिक्री होती हुई दिखी है वो 27,300 यूनिट्स के आसपास होती हुई दिखी है। पिछले महीने 53,300 यूनिट्स की बिक्री कंपनी ने की थी, तो अनुमान से भी कम नंबर्स दोनों हीरो मोटोकॉर्प और आयशी मोटर्स की तरफ से आते हुए दिखे हैं। एनएमडीसी इस बार आप देखिए इनके जो प्रोडक्शन है और साथ ही जो बिक्री के आंकड़े हैं मई महीने के लिए, ये इन्होंने जारी कर दिए हैं। जो कुल प्रोडक्शन है वो 22% तक बढ़ता हुआ दिखा है, साथ ही इनके जो बिक्री है वो वायोवाय अगर देखते हैं तो करीब 29% तक बढ़त होती हुई दिखी है। जेएसडब्ल्यू स्टील, इसके लिए रिपोर्ट्स आती हुई दिखी हैं। कंपनी ने अपने जो एचआरसी की कीमतें हैं वो बढ़ा दी हैं, यानी कि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें बढ़ाई हैं, 3,150 रुपीज़ प्रति टन की कीमत बढ़ाई है। साथ ही इनके जो कोल्ड रोल प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे जो कीमत है वो करीब 4,900 रुपीज़ प्रति टन तक बढ़ती हुई दिखी, इस पर भी नज़र रखें। और साथ ही रूट मोबाइल, जहाँ पे यूएई की कंपनी एक टेलीकॉम कंपनी है, जहाँ पे कंपनी ने एक करार किया है एक टर्न की सोल्यूशन प्रोवाइड करती हुई दिखेगी रूट मोबाइल की स्मार्ट मैसेजिंग हब को यूज़ करके, तो इस पर नज़र रखें। और आखिर में सिप्ला, फाइजर, इन सब के लिए अब फाइनली जो वैक्सीनेशन कंपनीज हैं उनके लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, क्योंकि विदेशी वैक्सीन को सरकार ने अब बड़ी राहत दे दी है। सरकार ने पोस्ट ब्रिज ट्रायल जो हैं वो स्टडी को ज़रूरत नहीं होगी ये कहा है सरकार ने, यानी कि भारत में आके दोबारा ट्रायल्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये फिलहाल आता हुआ दिखा है। तो ये बड़ा रिलीफ रैली होता हुआ दिख रहा है, और माना जा रहा है कि अब फाइजर के लिए भारत में आना थोड़ा सा इजी होता हुआ दिखेगा, तो ये सिप्ला और फाइजर दोनों के लिए पॉजिटिव खबर है। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे फार्मा काउंटर्स पर एक बार फिर से, और साथ ही मेटल स्टॉक्स भी फोकस में आते हुए दिख रहे हैं आज। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास भी कुछ फार्मा की खबरें हैं और अन्य फंड एक्शन भी है, क्या क्या है वो। गुड मॉर्निंग दीपांशु, बिल्कुल फार्मा स्पेस से जुड़ी कंपनियां एलेम्बिक फार्मा, नेटको फार्मा, एबिट इंडिया, अंबालाल साराभाई, इन पर फोकस रखेगा। ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवाई के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई गई है। डीजीएफटी ने एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के एक्सपोर्ट पर तत्काल रूप से रोक लगाई है। इन्फोसिस पर नजर रखिये, इन्फोसिस इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में सेबी का आदेश आता हुआ दिखा है। इन्फोसिस के दो कर्मचारी इनसाइडर ट्रेडिंग के दोषी पाए गए हैं। सेबी ने दो अधिकारी के साथ 8 लोगों को पर प्रतिबंध लगाया, और इस पर कंपनी का बयान आता हुआ दिखाया कि पूरे मामले पर आंतरिक जांच इन्फोसिस करेगी। शुगर कंपनीज आज फोकस में है। सरकार ने शुगर केन क्रशिंग के साथ कारखाने को स्थापित करके गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी है। विभिन्न प्रकार के इथेनॉल उत्पादन के लिए बीएचवाई गुड़ के उपयोग की भी अनुमति दी गई है, और इससे इथेनॉल बनकर किसानों को समय से भुगतान करने में काफी हद तक आसानी होगी। तो खबर के चलते शुगर स्पेस आज बिल्कुल एक्शन में रहेगा। एक और खबर है शुगर स्पेस से ही जुड़ी, ओएमसीज ने 25 मई को इथेनॉल प्रोड्यूसर से 26 करोड़ लीटर इथेनॉल की बोली मंगवाई है। तो इन तमाम खबरों के चलते शुगर स्पेस पर नजर रखनी होगी। और एक बल्क डील है, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स स्ट्रेट सेकेंड डे ऑफ बाइंग है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 24,62,000 शेयर 111.34 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं।
ओके, तो दो दिनों से HDFC म्यूचुअल फंड की खरीदारी आ रही है, IRB इंफ्रा में नजर रखिए, और कमोडिटी स्टॉक्स आज एक बार फिर से आपको एक्शन में आते हुए देख सकते हैं, शुगर स्टील दोनों में ही एक्शन दिखेगा। देखते हैं ब्रोकरेजेस आज क्या कह रही हैं FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं ITC, गुजरात गैस, अन्य स्टॉक्स पर आज ब्रोकरेजेस की क्या राय है? बिल्कुल दीपांशु, सबसे पहले ITC पर रिपोर्ट्स देख लेते हैं। पर मॉर्गन स्टैनली की बढ़िया रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 250 रुपये के लक्ष्य के लिए। गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की राय दे रहे हैं, हालांकि जिन्होंने लक्ष्य है वो 245 से घटाकर 242 कर दिया है। HSBC थोड़े से बेरिश नजर आ रहे हैं, इन्होंने जो है अब रेटिंग को रिड्यूस करके यानी डाउनग्रेड कर होल्ड की राय दी है और लक्ष्य 10 रुपये से काटा है, 240 से घटाकर 230। लेकिन सभी रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि वैल्यूएशंस फिलहाल अगर आप देखें तो बहुत ही सस्ते नज़र आ रहे हैं। JP मॉर्गन की रिपोर्ट में देख रहा हूँ, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि FY23 फॉरवर्ड पी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो करीब 16 के मल्टीपल पर मिल रहा है स्टॉक, वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली मान रहे कि यहाँ पर जो सिगरेट कारोबार में और अन्य कारोबार में जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है वो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इनके अनुमान के मुताबिक ही है और प्री कोविड स्तर तक पहुंच चुके हैं, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश नजर आ रहे हैं। नजर रखनी है गुजरात गैस पर, यहां पर भी आज नतीजों का असर देखने को मिलेगा। CLSA की रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को डाउनग्रेड कर अब आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है, लक्ष्य 510 से बढ़ाकर 570 कर दिया है। और एक चीज़ इन्होंने भी हाईलाइट करके कहा है कि अगर आप IGL के मुकाबले अगर आप देखें तो गुजरात गैस की जो वैल्यूएशन है वो करीब 17% के डिस्काउंट पर चल रहे हैं। वहीं मैक्वायरी अगर आप देखें तो गुजरात गैस पर थोड़े से बुलिश नज़र आ रहे हैं, मान रहे कि थोड़े से LNG प्राइजेस में जो स्पाइक आया था उसके चलते थोड़ा सा क्वार्टर पर इम्पैक्ट देखने को मिला। एक्सिस बैंक यहाँ पर भी नज़र रखनी होगी, नोमेरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 885 रुपये के लक्ष्य के लिए 745 की जो है कल की क्लोजिंग है। और ये मान रहे कि इस बार जो है लोन ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी कंपेरेटिवली पिछले साल के मुकाबले, अगर आप देखें Q1 FY21 में अब इसके मुकाबले जो स्थिति है थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है और आगे जाकर जो कलेक्शन एफिशिएंसी है इसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। फिलहाल आखिरी रिपोर्ट है एजिस लॉजिस्टिक्स पर, काफ़ी बढ़िया रिपोर्ट आई है नोमेरा की, जहां पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 570 रुपये के लक्ष्य के लिए काफ़ी ऊंचा टारगेट दिया है क्योंकि 356 की कल की क्लोजिंग है। ये कह रहे हैं कि स्टॉक अगले मल्टी ईयर ग्रोथ के लिए तैयार हो रहा है और इसी के साथ अगर आप देखें तो स्टॉक में आगे जाकर जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे उससे री रेटिंग की पूरी संभावना है, जिसके चलते स्टॉक पर बुलिश है और खरीदारी किराए दे रहे हैं 570 रुपये के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज रहेगा फोकस, और एजिस पे तो बड़ा तगड़ा टारगेट 570 का, लगभग 200 रुपये ऊपर यहां से बढ़िया रिपोर्ट नोमुरा की तरफ से आती हुई दिख रही है। कुछ ही देर में वरिंदर बंसल हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे के साथ टेक्निकल चेक चल रहा है, लेकिन आइए तब तक स्वागत करते हैं हमारे सभी मेहमानों का, वक्त है पिक ऑफ द डे का। सुप्रभात वागले साहब, करिए शुरुआत। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी पहले तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, हैव अ ग्रेट डे, तो आपको आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और एक्सलेंट हेल्थ वेल्थ एंड सारी की सारी आपको मिल जाए, सारी की सारी। नहीं अनिल जी सॉरी सॉरी सारी नहीं, तो आपके लिए जो अच्छी है वो एक छोटी सी इच्छा है वो पूरी हो जाए तो बस, मतलब मेरे हर एक जोक पर हर एक वन लाइनर पर वागले साहब मुस्कुराए, बस ये छोटी सी इच्छा है मेरी इस साल के लिए। अनिल जी ये मुस्कुराहट में सारा आ गया है। अनिल जी सॉरी थोड़ा सा टाइम लूंगा आपके लिए, जो अनिल जी आपको भगवान वो ग्रांट करे जो आपके लिए अच्छा है, जो आप चाहते हो वो ग्रांट नहीं करेगा तो भी चलेगा। तो मैं सबको यही विश करता हूँ और हमारा तो मतलब रेडी हो गया। चलो मैं अभी कॉल की बात करता हूँ आज का मार्केट का जी। मेरा बाय कॉल है अडानी पोर्ट्स पर, जिसमें लास्ट आधे घंटे में जो ब्रेकआउट दिखाई दिया आज, मेरे को जो SGX में 20-25 पॉइंट वीकनेस दिखाई देता है, मुझे लगता है कि उसमें बाइंग आनी चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। 803 का क्लोज है मेरा, 792 का बंद है, मुझे लगता है 822 तक आज के दिन में स्टॉक जाना चाहिए। अडानी एंटरप्राइजेस में तो कल बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, अडानी पोर्ट्स में आज फॉलो अप आ सकती है। ओके, 822 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी अडानी पोर्ट में। शुभम जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे।
गुड मॉर्निंग अनिल जी, और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा जो आज का पिक है वो, हाँ अनिल, जो आज का मेरा पिक है वो ब्रिटानिया पे खरीदारी की राय है। और मुझे लगता है कि ये पूरा जो कंजम्पशन वाला थीम है, वहाँ पे बॉटमिंग आउट का सिनेरियो बनता जा रहा है, जहाँ पे HUL, नेस्ले, ब्रिटानिया, ये सारे ही स्टॉक्स एक बॉटम फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रिटानिया में जो अपने सपोर्ट के काफ़ी पास प्लेस्ड है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखना चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन हम इनिशिएट कर सकते हैं। 3500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है, जो लगभग 53 रुपये के आसपास कल क्लोज हुआ था। यहाँ पे लक्ष्य होगा 70 रुपये का, स्टॉप लॉस मेंटेन करे 42 रुपये पे। तो ब्रिटानिया पे खरीदारी की राय। ओके, तो ब्रिटानिया का कॉल ऑप्शन खरीदेगा 3500 रुपये का, ये आपके लिए राय। बंसल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे आज के लिए। सुप्रभात अनिल जी, पहले तो अनिल जी हैप्पी बर्थडे, और अनिल जी कुछ दो लाइनें लिख के लाया इंग्लिश में आपके लिए। देखिए अनिल जी, यू हैव ऑलवेज बीन सो इंस्पायरिंग एंड इट्स अ प्लेजर एंड प्राइड टू वर्क विद अ बॉस हु ट्रीट्स ऑल ऑफ अस विद लव एंड रिस्पेक्ट। अनिल जी, तो ये अनिल जी मेरा लॉन्गेस्ट एवर सेंटेंस है इंग्लिश का, कल वाले का रिकॉर्ड तोड़ दिया अनिल जी। तो पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो आप क्या बोला वो तो सुन, मेरा ध्यान ही नहीं था उसमें, इतना लंबा इंग्लिश में सेंटेंस बोले, मेरा तो पूरा फोकस इस पे था कि इतनी इंग्लिश। तो यह आपने जो मेरी बर्थडे पे इतनी मेहनत की है, इसके लिए दिल से धन्यवाद बंसल जी। अब मुझे भरोसा हो गया, आप जो चाहें कर सकते हैं, आप बाहुबली हैं। थैंक यू वेरी मच। बताएं सर अब आज का पिक ऑफ द डे। अनिल जी पिक ऑफ द डे वही है जो अभी वागले जी ने बोला, अदानी पोर्ट पे खरीदारी की राय है। 787 का स्टॉप लॉस है, 821 का टारगेट है, लगभग टारगेट वही और लगभग स्टॉप लॉस वही। अदानी पोर्ट बंसल जी की भी पसंद। कुणाल जी भी हमारे साथ है। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर आपका पिक। अनिल जी आपको जन्मदिन की ढेरों बधाई। सबसे पहले अनिल जी हैप्पी बर्थडे टू यू। अनिल जी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके बर्थडे का एक्साइटमेंट जितना आपके चेहरे पर दिख नहीं रहा है, उतना अनिल जी हम सबके चेहरे पर आपका जन्मदिन का एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है। आपके चेहरे पर अनिल जी केवल अगर आप देखें पिछले लॉकडाउन में जिस तरह से आपकी उम्र घट रही है अनिल जी, ये वाकई में गजब का है। तो अनिल जी हमारी दिल से इच्छा ये है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, इसी तरह मुस्कुराते रहें, इसी तरह आपकी उम्र घटती रहे अनिल जी, ये हमारी दिल से कामना है अनिल जी आपके जन्मदिवस। थैंक यू सो मच। थैंक यू कुणाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हर रोज आप सुबह जो और दिन भर मुझे मुस्कुराने के पल देते हैं, उसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत आभार। बताएं सर अब आज के लिए आपका स्टॉक। अनिल जी देखिए, मैं मिठाई तो आपको खिला नहीं सकता यहाँ बैठा हूँ, लेकिन अनिल जी चीनी का शेयर पेशे खिदमत है। स्टॉक है द्वारिकेश शुगर, जिस पर हम शायद कल परसों भी बात कर रहे थे। चार्ट बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि करेक्शन मामूली सा पूरा हुआ है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर एक डायमंड पैटर्न बना हुआ है। तो द्वारिकेश शुगर को खरीद करके चलें, यहाँ पर एक 50-51 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है अनिल जी ये 62 और बाद में फिर आपको 68 के लेवल्स दिखाएगा, तो द्वारिकेश शुगर में खरीदारी कराएं। शुगर और इथेनॉल शेयरों के लिए आज कुछ अच्छी खबरें भी आती हुई दिख रही है, और ये पूरा का पूरा सेक्टर रहेगा फोकस में। और वैसे जहां तक आप मिठाई खिलाने की बात करें कुणाल जी, आपको तो पता ही है मेरा मोबाइल नंबर सेम है, इसी मोबाइल नंबर पर मेरा पेटीएम अकाउंट भी है, बाकी आप सब स्वयं समझदार है। तो मिठाई खाने और खिलाने के मेरे पास अलग अलग बहुत सारे तरीके, उनका इस्तेमाल करके देखें। आइए सुमित जी का करते हैं स्वागत। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आपका शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं आपके इस 51वें जन्मदिन पे। यही विशेष है कि अगला बर्थडे आने के पहले पहले निफ्टी 21 देखे आप, यानी 21,000 का लेवल देखे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अनिल जी मेरी तरफ से आपको जन्मदिन की। क्या बात है, अच्छा ये 51वां बोलना जरूरी था सुनील जी। चलिए ठीक है, आपने डिस्क्लोज कर दिया तो अच्छी बात है। बताए सर अपना पिक ऑफ द डे जी। मैं अनिल जी क्लेरिफाई कर देता हूँ, 25 years with 26 years of experience। Exactly, बिल्कुल ठीक बात है। तो अनिल जी जो आज का पिक ऑफ द डे है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है। बहुत समय के बाद LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक अपसाइड मूव का शुरुआत हुआ है, तो इसमें खरीदारी करें 475-477 के आसपास।
465 है इसके अंदर, नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में टारगेट बनेगा 490 रुपए से लेके 500 रुपए तक का। तो पिक ऑफ द डे के तौर पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। परफेक्ट, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस खरीदे आप, ये राय सुमित जी की। और अविनाश जी भी है हमारे साथ। अविनाश जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है? नमस्कार। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी पहले तो बर्थडे की बेस्ट विशेस, आपका साल बहुत अच्छा जाए और सारे व्यूअर्स का आपकी आपकी यू नो व्यूज जो बहुत अप्रिशिएट होते हैं वो कंटिन्यू हो। जो स्टॉक मैंने चुना है अनिल जी वो बेसिकली ऑयल स्पेस में है, ऑयल की कीमतें रिकॉर्ड हाईज पे टच कर रही है, तो ये एक ऐसी कंपनी है जो ऑयल पे बड़ा प्ले है। इसकी कंपनी का नाम है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन। कंपनी करीबन हम समझते हैं कि एक नेट कैश पॉजिटिव कंपनी है, बिल्कुल कर्जा नहीं है, और जिस प्रकार का इनका BAT का ऑयल फील्ड करीबन जो थोड़ा बहुत कोविड के कारण इफेक्ट हो चुका था, ऐसे रिपोर्ट सुनने में आ रहे हैं कि करीबन अक्टूबर से ये वापस शुरू हो जाएगा। काफ़ी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑयल का ये ONGC को सप्लाई करेंगे और गैस का भी प्रोडक्शन यू नो इंक्रीज होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा यू नो इवेंट ड्रिवन यू नो पोजिशनल प्ले है। अगर 6 से 12 महीने की अवधि कोई इन्हों रख सकता है तो करीबन 150 रुपये का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। हमको लग रहा है ये कंपनी जैसे ONGC ऑयल प्ले है, ये प्योरली ऑयल प्ले है, और ऑयल अगर में कोई बढ़ोतरी आती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट इनके बॉटम लाइन पे आएगा, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल मार्केट्स कंप्लीटली इस BAT ऑयल फील्ड के पोटेंशियल को इग्नोर कर रहे हैं। तो इसको ज़रूर खरीदना चाहिए 6 से 12 महीने की अवधि में करीबन 150 रुपया। और दूसरी कंपनी जो कल नतीजे आ गए अनिल जी, गुजरात गैस, हालांकि स्टॉक थोड़ा सा चल चुका है बट मुझे लग रहा है कि इन्होंने अमृतसर और बठिंडा में GSPL का जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो खरीदा है, काफ़ी कम दाम पे खरीदा है क्योंकि एक स्लम डील है, तो करीबन 163 करोड़ में डील हुई है। तो इसका रेवेन्यू पोटेंशियल हमको लग रहा है आने वाले 1-2 साल में बहुत ही स्ट्रांग है, और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम से यू नो बेनिफिट जब मिलता है तो इन कंपनीज को बहुत फायदा होता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी करीबन 600 रुपये का टारगेट कंफर्टेबली पॉसिबल है, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, तो 12 से 15 महीने में करीबन 600-625 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। ओके, गुजरात गैस भी खरीदें और 600-625 तक के टारगेट के लिए आपको करनी चाहिए यहां पर खरीदारी। तो दो पिक्स हैं आज अविनाश जी की तरफ से। आइए, वरिंदर बंसल हो चुके हैं कनेक्ट, वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। वैसे तो रिजल्ट्स अब रह गए कम, लेकिन कल दो बड़े नतीजे आए बाजार बंद होने के बाद, मच अवेटेड ITC और गुजरात गैस। पहले शुरुआत करते हैं उसी से, बताएं कैसे रहे ये दोनों रिजल्ट्स? सर हमेशा मुस्कुराते रहिए और आपकी ये इन्फेक्शियस एनर्जी जो हमेशा बोलता हूँ इसको फैलाते रहिए ताकि जो भी आपके आसपास रहे हमेशा वो खुश रहे। एंड मेरी तरह से आप बहुत बड़ी जफ्फी और पप्पी आपको हमेशा, आज के लिए नहीं हमेशा के लिए, ठीक है ना? तो सर रिजल्ट्स पे बात करेंगे सर। थैंक यू। ऑनेस्टली सर रिजल्ट्स पे बात करेंगे सर, टू बी ऑनेस्ट ITC सर यू नो मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं कि मेरे लिए एक यूलिप है। सर EBITDA मार्जिन मत देखिए, ऑफकोर्स कोई फायरवर्क्स नहीं था, कोई डिमर्जन नहीं था, कुछ और नहीं था सर। आई थिंक दिस वॉज द लोएस्ट एवर ग्रॉस मार्जिन रिपोर्टेड बाई द कंपनी इन मेनी मेनी क्वार्टर्स। अगर आप बिकॉज इस सीजन में सर ग्रॉस मार्जिन आर मोर इम्पोर्टेंट देन EBITDA मार्जिन। आई थिंक चौथा क्वार्टर होगा जहाँ पे कंजेकटिवली देखा है हमने ग्रॉस मार्जिन कम हो रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन 8% कम हुए हैं सर YoY टू 54%। इशू क्या है सर, बहुत सारे लोग जो मीडिया में हैं यू नो TV चैनल्स में, वो ग्रॉस मार्जिन नहीं ट्रैक करते हैं, EBITDA ट्रैक करते हैं। तो आई एम सरप्राइज कि हाँ भी इतना बड़ा डिप है कि हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज सेगमेंट में सर कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमने कुछ अच्छा देखा। FMCG EBIT मार्जिन देखिए सर, फ्रॉम 6.4% कम होकर 5.1% क्वार्टर क्वार्टर आ गया है। और एग्री सेगमेंट भी सर जो 8% क्वार्टर क्वार्टर मार्जिन करता था, 8% EBIT मार्जिन करता था, वो कम होके 5.5% रह गया है। सो इवन FMCG एंड एग्री का हमने EBIT मार्जिन क्वार्टर क्वार्टर कम देखा है। सो ऑनेस्टली नथिंग एट ऑल इन दिस नंबर, मेरे लिए वीक ही थे ITC नंबर्स। और एज ए सेड मेरे लिए यूलिप है सर, आई डोंट नो व्हाई पीपल आर सो मच एक्साइटेड अबाउट दिस कंपनी। गुजरात गैस अगेन सर मैं बोलूंगा कि उसके ग्रॉस मार्जिन डिक्लाइन हुए थे इस बार। मैं अगेन बार बार ग्रॉस मार्जिन पे क्यों जाता हूँ, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वॉल्यूम्स आपको देखेंगे वॉल्यूम्स अच्छे हुए हैं सर, क्वार्टर एंड क्वार्टर इवन YoY वॉल्यूम्स अच्छे रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स विच इज हेल्प बाय द कमर्शियल इंडस्ट्रियल वॉल्यूम्स, क्योंकि वो सेगमेंट की जो चल रही थी लास्ट क्वार्टर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। बट बिकॉज खर्चे बढ़ गए हैं सर, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो मैं बोलता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, यूनिट इसका SCM होता है, वो YoY फ्लैट था पर 9% क्वार्टर क्वार्टर कम हो गया था। इवन यूनिट EBITDA मार्जिन जो गुजरात गैस का होता है
वो कम होके 5.1 पर यूनिट रह गया है, कम होके जो 5.8 से कम हो गया है, जैसे मैंने बोला 10% कम हो गया क्वार्टर क्वार्टर। और सर इस सेकंड क्वार्टर में इसका जो हाई था वो 8 रुपए था, 8 यू नो पर SCM, सो 8 से 5 हो गए हैं। सो बोथ द नंबर्स वर नॉट एक्साइटिंग एट ऑल सर। छोटे नंबर्स में इमामी पेपर मिल्स के नंबर्स आपको अच्छे देखेंगे सर, दे हैव डन गुड वर्क। एटलीस्ट एबिटा उनका 40 करोड़ से 65 करोड़ क्वार्टर क्वार्टर गया है और YoY से 42 करोड़ से 65 करोड़ गया है, उन्होंने अच्छा किया है। NGL Fine Chem सर नथिंग ग्रेट एट ऑल बाकी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, मार्जिन फ्लैट है सर 30% पे आई थिंक लास्ट 4 क्वार्टर से, एबिटा फ्लैट है सर लास्ट 3 क्वार्टर से, सो नो एक्साइटमेंट एट ऑल इन NGL, बट अदरवाइज ITC ऑनेस्टली डिसअपॉइंटिंग एंड गुजरात गैस ग्रेट कंपनी बट ग्रॉस मार्जिन प्रेशर कमिंग इन। बिल्कुल, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा नतीजों का एक्शन, नतीजे चूंकि अब कम होते दिख रहे हैं लेकिन अभी भी हैं, इक्का दुक्का आते दिख रहे हैं। आज 3 नतीजे होंगे बड़े वायदा कारोबार के और कैश मार्केट के और ढेर सारे, तो कल फिर से मुलाकात होगी वीरेंद्र से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। आइए नतीजों के बाद ही आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है और वहीं पर हमें फोकस भी करना चाहिए। ITC रिजल्ट के बाद एक बार लेवल्स जान लिए जाएं, शुभम जी बताएं क्या रेंज रहनी चाहिए और क्या कुछ खरीदना या बेचना अगर कोई ट्रेड बनता तो वो भी बताइए। अनिल जी, जैसा आपने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, स्लो मूविंग स्टॉक रहा है काफी समय से, तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी व्यू होगा वो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू पॉइंट से होना चाहिए। तो अगर हम ITC में देखें 205 से 208 के बीच में एक अहम सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि अगर इस जोन में हमें खरीदने का मौका मिलता है तो खरीदारी का व्यू होगा। इसमें हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए 198 पे, और अगर इसको समय दिया जाए, समय काफ़ी अहम है ITC के लिए, बट अगर मुझे लगता है कि अगर 2-3 हफ्ते का हम इसको समय दें तो 230 तक के लक्ष्य यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से गिरावट पे खरीदारी की राय है ITC पे। ओके, तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से गिरावट पर खरीदारी की राय है ITC पर। देखते हैं किस तरह का डिसीजन बाजार लेता है आज इस काउंटर पर खुलने के बाद, बट फोकस जरूर बना रहेगा या फिर अपनी जो रेंज में अटका हुआ है वहीं पर अटका रहता है ITC। एक और आई वाले स्टॉक पर फोकस करते हैं, इन्फोसिस। अविनाश जी क्या राय देंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में सेबी का फैसला आया है जिसमें 8 लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिसमें से कंपनी के भी 2 कर्मचारी हैं, जो पिछले साल का इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला था जून का। क्या व्यू बनता है सर इन्फोसिस में, इस खबर का कोई इम्पैक्ट देखते हैं और अदरवाइज भी जो स्टॉक पिछले कुछ दिनों में रैली करके वापस 1400 पर आया है, यहां से कैसी चाल रहेगी इसकी? मुझे लग रहा है कि दीपांशु ये न्यूज़ शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा सा सेंटिमेंटली नेगेटिव है, लेकिन बिजनेस पे इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा नहीं और मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ भी आएगा। तो मुझे लग रहा है कि जिन निवेशकों को लगता है कि स्टॉक में बहुत भारी गिरावट आएगी तो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि डिजिटल और क्लाउड में इन्होंने काफ़ी काम किया है। आने वाले क्वार्टर्स में ये इनकी स्ट्रेटेजी जो है डिजिटल में ज़्यादा यू नो एफर्ट्स और फोकस रखना, ये कंपनी के लिए काम में आएगी। और होपफुली अगर यू नो डॉलर अगर स्ट्रेंथन होता है, रूपी वीक होता है, तो इनकी भी इसका भी बेनिफिट मार्जिन्स पे आएगा। तो मैं समझता हूँ कोई भी अगर वीकनेस आता है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। हमको नहीं लग रहा है कि बिजनेस पे इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आएगा। हालांकि ऐसी कंपनीज में इनसाइडर ट्रेडिंग होना एक अच्छी बात नहीं है, मार्केट्स डेफिनेटली ये बात पसंद नहीं करेगी, लेकिन ये अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं है। प्लस अभी सेबी ने इनको यू नो ऑलरेडी पेनलाइज किया है, तो मैं समझता हूँ मार्केट्स आगे के रोड मैप और ग्रोथ के ऊपर फोकस करेगी। तो कोई डिक्लाइन आता है तो खरीदना चाहिए, बट यस इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये न्यूज ऐसी कोई खराब, इतनी खराब न्यूज नहीं कि स्टॉक में बहुत भारी बिकवाली आए। चलिए, तो कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, ये है आपके लिए खबर। इस बीच फीनिक्स मिल्स के लिए अच्छी खबर आ रही है, GIC के साथ स्ट्रेटेजिक करार किया है। देखना पड़ेगा कि ये जो सिंगापुर का GIC है जो फंड है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं, GIC कंपनी में निवेश करने वाली है, तो ये अच्छी खबर आती हुई दिख रही है फीनिक्स मिल्स के लिए। भारत में मिक्स्ड यूज प्लेटफॉर्म्स के लिए करार किया जा रहा है ये, तो खबर आती हुई दिख रही है फीनिक्स मिल्स के लिए इस समय। कल थोड़ा क्वाइट था स्टॉक ट्रेड में, बट ये देखिए 1110 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है GIC।